ओके पेरेंट्स, मुझे बताओ आपको वहां से देखने में ये स्टेज कैसा लग रहा है? सुपर है। India's cutest kids. A loud round of applause from all the parents to all the dignitaries and the kids here. Come on, let's have some cheering and some applause. जो फील्ड में आते हैं वो ऑलरेडी आई थिंक काम करते करते इतना
सीख जाते हैं. यस, वर्किंग आवर्स होते हैं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउसेज जो हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो बच्चों को थोड़ा तो आई थिंक ये मौका देते हैं कि वो आराम से रेस्ट कर लें, और सीन्स वैसे लगाए जाते हैं ताकि बच्चे जब वो सोना चाहते हैं तो सो जाएं, और जब उनको रिलैक्स होकर टाइम मिले तो उनका शॉट लगाया जाए. और आई थिंक बहुत सारे, मेरा जो शो है बालवीर, बहुत सारे बच्चे हैं, एंड बहुत ही खूबसूरती से उन बच्चों को टाइम दिया जाता है रेस्ट करने का, पढ़ाई करने का, और आई थिंक उनको आदत भी हो जाता है. जी, आप ये समझते हैं कि जो बचपन का फेज होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे यूनिक होता है? डेफिनेटली डेफिनेटली विदिल, जब हम बच्चे होते हैं ना, जो बेस्ट चीज़ होती है, हम कुछ फिल्टर नहीं करते, हमें जो अच्छा लगता है हम बता देते हैं, और जो हमें चीज़ बुरी लगती है हम बता देते हैं. बड़े होकर हमें काफ़ी कुछ फिल्टर करना पड़ता है, नहीं मैं ऐसा बोलूँगी तो ऐसा लगेगा. और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमें बड़े होकर भी अपने में जो थोड़ा सा बचपना है उसे रखना चाहिए. बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम एवर, और बच्चे भगवान के रूप होते हैं, सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया कि दे हैव कम अप विद दिस कैलेंडर. बहुत ही इनोवेटिव है और बहुत ही नया आइडिया है, फ्रेश है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं. आपने लड़कियों के कैलेंडर लॉन्च देखे हैं, लड़कों के कैलेंडर लॉन्च, हैंडसम हंक्स, क्यूट गॉर्जियस गर्ल्स, और आज तक आपने इंडिया क्यूटेस्ट किड्स के नाम से कोई कैलेंडर लॉन्च नहीं देखा, और ना ही कोई बच्चों का कैलेंडर लॉन्च देखा, मैंने तो नहीं पर्सनली देखा. सो आई थिंक ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट, एंड इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑल्सो इन अ वे, बिकॉज वो बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे जिनको यू नो बचपन से मॉडलिंग और कैमरे के सामने रहने का शौक होता है. आई थिंक उनको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिला है, एंड प्लस इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव. मैं उन्हें पर्सनली जानता हूँ, और जितना सुरीला वो गाते हैं उतना ही सुरीला उनका बेटा गाता है. उसने दो लाइन गाई है, बस मैं ऐसे देख रहा था, उसने दिल जीत लिया. ही सैंग सो ब्यूटीफुली. उसने दो लाइन गाई और मतलब आई वाज फ्लैबोकास्ट. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बाकी आगे आगे आपको पता चल जाएगा, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता इस बारे में. फिर भी आपको लगता है अर्जुन सही होस्ट है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े स्टार्स होस्ट कर चुके हैं? आई थिंक ही वाज लॉट ऑफ फन, एंड एक होस्ट का कंटेस्टेंट्स के साथ जेल होना और मस्ती करना, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस टाइम. तो मेरे अगर नज़रिए से पूछे तो इज़ अ वेरी गुड होस्ट, एंड रेस्ट देखेंगे. आपको पता है किसने बोला ये? इनको तो हमसे पहले पता होता ना हम कौन सा काम कर रहे हैं. आई नो इस वे जी, लेकिन अभी मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन वेरी सून प्रोबेबली दिस मंथ और फर्स्ट वीक ऑफ फेब यू आर गोइंग टू सी मी वेरी सून ऑन लाइफ. ओके, लास्टली आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बच्चे का इवेंट है ये, जो बचपन में नॉनसेंस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? आपको लगता है कि हम लोगों में अगर हम में इनोसेंस उस तरह की आ जाएगी तो फिर हम भी बच्चे ही बन जाएंगे ना, तो फिर बड़ों का काम ही नहीं होगा. बट आई स्टिल थिंक लाइक आई एम लाइक दैट, आई थिंक यू शुड बी. हाँ, इनोसेंस हर इंसान में होती है, उस इनोसेंस को पहचान पाना, परख पाना थोड़ा मुश्किल होता है. ब्यूटी ऑफ लाइफ इज टू बी अ किड एट हार्ट. लाइक मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो, मेरी हंसी, यू शुड बी अ किड एट हार्ट एंड यू शुड एंजॉय योर लाइफ. इनोसेंस हर किसी में होती है, अब किसी को दिखती किसी को नहीं दिखती. अब वैसे मेरी शक्ल देख के लोगों को मैं ज़रा भी इनोसेंट नहीं लगता हूँ, पर बहुत इनोसेंट इंसान हूँ. सो अपना अपना नज़रिया है. बस क्योंकि आजकल हम जानते हैं कि जितने शादीशुदा लोग हैं उनके घरों में आजकल फैसले जो हैं वो बच्चों से लेकर बहुत किए जाते हैं, कि भाई बच्चे को संडे है तो बच्चे कहाँ जाएगा, कहाँ एंजॉय करेगा, कौन सी पिक्चर देखी जाए जो बच्चे एंजॉय करेंगे, कौन सा रेस्टोरेंट है जिसमें बच्चे खाना खाएंगे. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बच्चों पर डिपेंड करती है, क्योंकि पेरेंट्स वॉन्ट्स टू गिव इन ऑल देयर टाइम टू देयर किड्स. तो हमें सोचा यार जब बच्चों की इतनी सब चीज़ें हो रही हैं तो बच्चों का कैलेंडर क्यों नहीं है. दूसरा, कई शहरों में ऐसा होता है कि लोग आके यहाँ एक्ट नहीं कर सकते, बट दे स्टिल वॉन्ट टू सी देयर किड्स यू नो ऑल ओवर द कंट्री. तो हमने सोचा कि हम 20 शहरों में जाएंगे, और 20 शहरों से श्रीनगर से जयपुर से हर जगह जगह से जाकर बच्चों की पिक्चर्स ली हमने, उनको ऑडिशन किया, शॉर्टलिस्ट किया पिक्चर्स को,
और उनको कैलेंडर में फीचर किया जो पूरे हिंदुस्तान में बांटे जाएंगे। कुछ है ही नहीं, ये तो घरों के प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अपने, जैसे हर माँ आपको लगता है कि यार मेरा बेटा तो शाहरुख खान है, मेरी बेटी माधुरी जैसी दिखती है, सबको, मेरी मम्मी को भी ऐसा लगता है, आई एम श्योर इसकी मम्मी को भी ऐसा लगता है कि भाई हमारे बेटे, सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, तो वो प्यारे बच्चे आए कहाँ पर, तो इसलिए हमने कैलेंडर लॉन्च के लिए देखिए सोनू निगम और मधुरिमा निगम मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, और मैंने जब निवान को एक बार सुना गाते हुए सोनू जी के घर पे, बहुत ज़बरदस्त, और तो मुझे ऐसा लगा कि ही इज़ ऑल्सो राइजिंग स्टार एंड आई एम श्योर ऑल द किड्स विल एंजॉय हिम। आपके कमेंट आइडिया कितना आपको इम्प्रेसिव लगा ये? सी दिस इज़ व्हाट आई एम, कैलेंडर ठीक है, ये भी एक आइडिया जो किसी के भी दिमाग में आ सकता है कि चलो ठीक है, आप लड़कियों के कैलेंडर चल रहे हैं, मॉडल्स के कैलेंडर्स हो रहे हैं, यू कमिंग आउट विद कैलेंडर्स ऑफ टेलीविजन एक्ट्रेसेस एंड ऑल दैट, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कैलेंडर इज़ आई थिंक, जो मुझे भी अभी पता चला कि ये एक्चुअली अलग अलग सिटीज़ में जाके अलग अलग सिटी के बच्चों को यहाँ एक साथ एक कैलेंडर में डाला गया, विच इज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, बिकॉज एज ए सेड जब हम एक घर में पैदा हुए, जब हमारे मॉम डैड ने भी देखा होगा कि यार ये तो कुछ कर सकता है, मतलब हर माँ बाप का एक सपना होता है अपने बच्चे को लेकर, सो आई थिंक अगर ये एक कैलेंडर के जरिए, अगर हम उन हज़ारों करोड़ों फैमिलीज में से एक एक उस फैमिली के माँ बाप का सपना पूरा करते हैं, दैट्स अ बिग डील फॉर मी, दैट्स लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कैलेंडर। आप एक्टिंग प्रोफेशन से भी जुड़े हुए हैं, काफी सारे चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया, और आपने कभी ऐसा लगा कि ये आर्टिस्ट मुझसे टैलेंटेड है, मुझसे भी हार्ड वर्क? यार बच्चे, आई थिंक एक बच्चा नहीं, आजकल एवरी किड इज सुपर टैलेंटेड, मतलब व्हेन आई हैड एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग मुझे एक लाइन याद नहीं होती थी, मतलब फॉर वन आई स्टिल रिमेंबर फॉर माई फर्स्ट शॉट, मैंने कुछ 18 टेक्स लिए थे तो मैंने अपना पहला शॉट दिया था, बिकॉज आई हैड नथिंग टू डू विद एक्टिंग, बट अभी मेरे सीरियल में जो मेरे बेटे बन के आए थे, आई हैव बीन वर्किंग विद लॉट ऑफ चाइल्ड आर्टिस्ट, यार वो लोग आधी आधी पेज की लाइन ऐसे बोल जाते हैं, दे आर सो टैलेंटेड, सो आई एम रियली लाइक यू नो सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी ऑल्सो एट द सेम टाइम विद द कमिंग जनरेशन विच इज कमिंग इज सुपर टैलेंटेड एंड वेरी वेरी गुड एक्टर्स एंड वेरी क्रिएटिव। थैंक यू। बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, अलग तरीका है, यू नो ये हमारे जो यंग जनरेशन है उनको यू नो यहाँ पर लाने में, एक्चुअली आजकल काफ़ी सारे ऐसे फिल्म्स बनते हैं, शोज़ बनते हैं जहाँ पर यू नो बच्चे मेन कैरेक्टर्स मेन रोल्स में होते हैं, यू हैव सीन यू नो द फिल्म लाइक बजरंगी भाईजान जहाँ पर बच्चे का मेन रोल था, सो यहाँ पे यू नो इनको एक प्लेटफॉर्म देना, और 5,000 घरों में यू नो 5,000 कैलेंडर्स इनके बन रहे हैं, सो इट्स अ स्पेशल फीलिंग, यू नो एक अलग ही फीलिंग रहती है बच्चे जब अपने कैलेंडर देखते हैं, सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड विपुल इज़ अ वेरी मल्टी टास्कर, हमेशा कुछ ना कुछ नया करता ही रहता है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई थिंक इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, हम लोग लड़कियाँ देखते हैं कैलेंडर पे, लड़के देखते हैं, बट बच्चों को देखना इज लाइक अ ट्रीट यू नो, एंड एक्चुअली बच्चे रिफ्रेश करते हैं उनको कहीं ना कहीं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। यस, मैंने जो अपना पहला शो किया था कयामत, मैं उस बच्चे का नाम भूल गया हूँ, लेकिन ही वॉज वेरी टैलेंटेड, और इतना टैलेंटेड था दैट स्लमडॉग मिलियनेयर में वो क्या कहते हैं मेन रोल में था, वो जो छोटा सा जो बच्चा था वो मेरे शो में ही वॉज प्लेइंग माई यंगर वर्जन, जो मेरा बचपन था वो कर रहा था, एंड आई ऑलवेज यूज टेल हिज मदर दैट यू नो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही क्विक लर्नर है, सो बहुत आगे जाएगा, एंड इन फ्यू ईयर्स आई सॉ हिम इन स्लमडॉग मिलियनेयर, सो काफ़ी टैलेंटेड रहते बच्चे। अभी तो एट प्रेजेंट यू नो आई हैव जस्ट गॉट डन विद माय शूटिंग में, हम दोनों खतरों के खिलाड़ी ख़त्म करके आए हैं, सो वो अब ऑन एयर होने वाला है, सो वहाँ पे लोग हमें देखेंगे। अभी कुछ ऐसा एकदम कॉन्क्रीट नहीं है, सो जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं। बहुत ही अच्छे हैं एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। कौन बोलेगा बुरे हैं? आप बोलोगे अर्जुन कैसे हैं, हम यही बोलेंगे ना कि अर्जुन अच्छे हैं, मतलब कंपैरेटिवली अच्छे हैं। कौन बोलेगा? हां अच्छे हैं, हमने तो अर्जुन वाला सीजन किया, तो हमारे लिए तो अर्जुन ही स्टार। थैंक यू।